हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण होने वाली है क्योंकि इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं बीए बीएससी बीकॉम से लेकर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज आई है जो आपके लिए हम बताने वाले हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। क्योंकि सीसीएस यूनिवर्सिटी जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सबसे पहले पहुंचाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप इसकी पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां से आपको इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बिना रुके वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं। सीसीएस यूनिवर्सिटी लेटेस्ट अपडेट 2023 ब्रेकिंग न्यूज। आज की सबसे बड़ी खबर क्या है, वो है बीए बीएससी बीकॉम वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण न्यूज है जो यह अंतिम मौका है। यानी किस चीज में यह अंतिम मौका है लेटर के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। तो चलिए लेटर की तरफ चलते हैं। तो साथियों, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ की तरफ से यह लेटर जारी किया गया है। इसकी विज्ञप्ति देखते हैं। विज्ञप्ति है, चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ से संबंध समस्त महाविद्यालय ओब्लिक संस्थान एवं विश्वविद्यालय परिसर में अध्ययनरत छात्रों को एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि NEP 2020 के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर किस पर NEP 2020 के अंतर्गत संस्थागत स्तर पर संचालित परंपरागत BA BSc BCom पाठ्यक्रमों के द्वितीय सेमेस्टर जून 2023 के मुख्य ओब्लिक बैक पेपर परीक्षा फॉर्म तथा चतुर्थ सेमेस्टर जून 2023 के मुख्य परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट www.ccsuniversity.ac.in पर ऑनलाइन भरवाए जाने की अंतिम तिथि दिनांक 10/7/2023 निर्धारित थी। यानी 10 जुलाई 2023 निर्धारित थी। निर्देशन अनुसार उपयुक्त संदर्भित पाठ्यक्रमों के परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित छात्र छात्राओं को जिन्होंने अभी तक परीक्षा फॉर्म नहीं भरा है को अंतिम अवसर प्रदान करते हुए तिथियां निम्न अनुसार दिनांक 23/7/2023 तक पुनः विस्तारित की जाती हैं। उक्त तिथियों के पश्चात परीक्षा फॉर्म भरे जाने हेतु कोई अवसर प्रदान नहीं किया जाएगा। तो साथियों, आपको मैं साफ साफ बता दूं, बीए बीएससी बीकॉम के लिए द्वितीय सेमेस्टर और चतुर्थ सेमेस्टर इनके परीक्षा फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 10 जुलाई 2023 थी। लेकिन अब आपकी तो जो साथी कुछ रह गए थे तो उनके लिए एक और मौका मिला है। तो जो रह गए हैं वो आप कल तक यानी 23 तारीख तक, कल 22 से परसों 23 तक आप इसे कंप्लीट करा सकते हैं। ये आपके लिए द्वारा वेबसाइट ओपन कर दी गई है। तो देखते हैं कब से कब तक आपका स्टार्ट है और कब इसकी अंतिम तिथि है, आगे आपको बताते हैं। ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने की पुनः विस्तारित तिथियां निम्न अनुसार हैं। तो देखते हैं, पहला, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म उपलब्ध होने की तिथि 20 जुलाई 2023। सेकंड नंबर, ऑनलाइन परीक्षा फॉर्म भरने एवं परीक्षा शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि 23/7 यानी 23 जुलाई 2023 है। तीसरा पॉइंट, छात्रों द्वारा परीक्षा फॉर्म महाविद्यालय ओब्लिक संस्थान ओब्लिक विभागों में जमा करने की अंतिम तिथि तथा महाविद्यालय ओब्लिक संस्थान ओब्लिक विभाग द्वारा परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन सत्यापित किए जाने के उपरांत सत्यापित परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय के परीक्षा विभाग में जमा करने की अंतिम तिथि 24/7/2023 है। तो आपकी ये निम्नानुसार तिथियां हैं। तो आप समय रहते हुए अपने परीक्षा फॉर्म फिल करा लें ताकि किसी समस्या का आपको सामना नहीं करना पड़े। तो चलिए आगे देखते हैं, मेन पॉइंट आपको बताते हैं। पहला पॉइंट, नोट, परीक्षा फॉर्म भरने से पूर्व विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध NEP स्नातक पाठ्यक्रमों के समस्त नियम भली भांति अध्ययन करना सुनिश्चित करें। नियम विरुद्ध भरा गया कोई भी परीक्षा फॉर्म स्वीकार नहीं होगा। सेकंड पॉइंट को देखते हैं, ऐसे सभी छात्र जो प्रथम सेमेस्टर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं, द्वितीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा का परीक्षा फॉर्म भरने हेतु आ रहे हैं, इसी प्रकार ऐसे सभी छात्र जो तृतीय सेमेस्टर मुख्य परीक्षा में सम्मिलित हुए हैं को चतुर्थ सेमेस्टर मुख्य परीक्षा फॉर्म भरने की अनुमति है। ठीक है, आगे देखते हैं। तीसरा पॉइंट, द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर बैक पेपर परीक्षा फॉर्म विश्वविद्यालय वेबसाइट पर उपलब्ध प्रोन्नति ऑब्लिक
बैक पेपर नियमों के आलोक में ही भरना सुनिश्चित करें। चौथा पॉइंट, समस्त महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि छात्रों के माइनर विषय एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम विषय सही भरे गए हैं यह सुनिश्चित करते हुए ही परीक्षा फॉर्म सत्यापित किया जाना सुनिश्चित करें। पांचवा पॉइंट, परीक्षा फॉर्म सत्यापित किए जाने से पूर्व महाविद्यालयों के पास माइनर एवं कौशल विकास पाठ्यक्रम में संशोधन करने का अधिकार प्राप्त होगा। छठा पॉइंट, NEP 2020 स्नातक द्वितीय एवं चतुर्थ सेमेस्टर परीक्षाएं माह अगस्त 2023 के प्रथम सप्ताह में शीघ्र आरंभ होने प्रस्तावित हैं, अतः छात्र और छात्राओं एवं महाविद्यालयों से अपेक्षा की जाती है कि वह उपरोक्त समय अवधि में परीक्षा फॉर्म भरना ऑब्लिक सत्यापित करना सुनिश्चित करें। सातवां पॉइंट और लास्ट पॉइंट ही आपका, परीक्षा समिति की बैठक दिनांक 2/6/2023 में लिए गए निर्णय के अनुसार उपलब्ध माइनर पाठ्यक्रम सेमिस्टर विशेष के छात्रों द्वारा ही चयनित किए जाएंगे। परीक्षा फॉर्म भरते समय इस तथ्य का संज्ञान लिया जाना आवश्यक है। तो साथियों, ये आपके कुछ पॉइंट थे जो आपको पढ़ लेने चाहिए। यदि आप इसकी PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ से आप इसे PDF को डाउनलोड कर लोगे। तो टेलीग्राम का लिंक हमारे वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा, आप वहाँ से डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलती रहें। क्योंकि CCS यूनिवर्सिटी से जैसे कोई लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आती है, हम अपने यूट्यूब के माध्यम से आप तक सब्सक्राइब पहुँचाते हैं। तो चलिए, यहीं तक, धन्यवाद।